नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। भूटान नरेश जुगमे खेसर नामग्याल वांगचुक में प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात हुई है। भारत भूटान के बीच कई समझौते। पानीपत पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले भारत के दिखाए रास्ते पर चलकर ही यूक्रेन रूस युद्ध विराम संभव या एक तरह का विश्व युद्ध है। अमेरिका यूरोप की पाबंदियां बेअसर, जयशंकर बोले हमने रूस से रिकॉर्ड 5.7 करोड़ बैरल तेल खरीदा, ये भारत की कुल खरीद का 38% है। सीएम मनोहर लाल को घेरने में जुटी कांग्रेस, जज पर टिप्पणी की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, अवमानना की कार्रवाई की मांग। आतंकी ग्रुप ने कश्मीर के आरएसएस लीडर्स को धमकी दी, रेजिस्ट्रेंट फ्रंट ने 30 नेताओं की टारगेट लिस्ट जारी की। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अत्याधुनिक संसाधनों से और लैस हो गए एसटीएफ और एटीएस, दो नई फील्ड इकाई बनाने का भी प्रस्ताव। लखनऊ में सीएम योगी से मिले व्यापारी, योगी ने कहा कमेटी बनाई है किसी व्यापारी को दिक्कत ना हो। मऊ में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, पालिका कम्युनिटी सेंटर का मंत्री ए के शर्मा ने किया उद्घाटन, कहा प्रदेश में हो रहा है विकास। हरिहरपुर से शिफ्ट हुआ सीएम का प्रोग्राम, आजमगढ़ के कलाकार बोले ये हरिहरपुर घराने का अपमान, अमृत सरोवर पर नहीं रखी गई ईंट। ई संजीवनी के माध्यम से 55 लाख का इलाज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योजना के प्रचार प्रसार का दिए निर्देश। नाटो का नया मेंबर बना फिनलैंड, अब इस मिलिट्री अलायंस के 31 देश, रूस ने कहा ये हमारी सिक्योरिटी पर हमला। रामनवमी पर हिंसा को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ने जताई चिंता, ओआईसी ने कहा भारत दोषियों पर कार्रवाई करे। ढाका के सबसे बड़े बंगा बाजार में लगी भीषण आग, 2900 दुकानें चपेट में आई, आग बुझाने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काम पर लगी। अमेरिका ने किया आईएसआई कमांडर को मारने का दावा, सेना बोली ड्रोन स्ट्राइक में खालिद अल जुबैरी ढेर, यूरोप में आतंकी हमले प्लान करता था। नासा ने चांद पर जाने वाली क्रू की घोषणा की, पहली बार महिला और अश्वेत एस्ट्रोनॉट का चयन, अगले साल लॉन्च होगा आर्टेमिस 2 का मिशन। श्रेयस अय्यर आईपीएल और डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर, पीठ की सर्जरी करवाएंगे, गुजरात ने विलियमसन की जगह दशुन शनाका को शामिल किया। आईपीएल 16 में नहीं खेलेंगे रजत पाटीदार, यूके में ऑपरेशन कराएंगे, अभी एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी को फिट होने की उम्मीद थी। आकाश चोपड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है, कमेंट्री नहीं कर पाएंगे। आईपीएल में नहीं खेलेंगे शाकिब अल हसन, इंटरनेशनल क्रिकेट और व्यक्तिगत कारणों की वजह से बाहर, लिटन दास 10 अप्रैल से जुड़ेंगे। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऐतिहासिक एशियन सीरीज में करेंगे अंपायरिंग। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अजय देवगन की बेटी न्यासा, चेहरे पर मास्क, व्हाइट टॉप, प्रिंटेड पैंट में दिखे स्टाइलिश। बॉडी शेमिंग से जूझ चुकी है अनुपमा, फेमस रूपाली गांगुली बोली प्रेगनेंसी के बाद वजन 83 किलो हो गया था, लोग कहते हैं कितनी मोटी हो गई। शिल्पा शेट्टी को रिचर्ड केस मामले में बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने दिए बरी करने के आदेश, 16 साल से चल रहा था केस। किसी का भाई किसी के जान का गाना, ये इतना मां आउट स्पेशल कैमियो में लुकिंग
लुंगी पहनकर रामचरण ने किया नाटू नाटू का हुके स्टिक। शोभिता नागा के रिश्ते पर सामान खान ने नहीं दिया रिएक्शन, स्टेटमेंट को बताया फर्जी, बोली मैंने कुछ नहीं कहा है। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।